हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मोमोज मंचूरियन की रेसिपी। मोमोज तो हम नॉर्मली खाते ही हैं, लेकिन इसे अगर मंचूरियन सॉस के साथ खाया जाए तो इसका टेस्ट और भी बढ़ चढ़ के आता है। तो बिल्कुल इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीलिंग्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिंपल इंडियन कुकिंग में। अगर आपको हमारे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। तो मोमोज मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप चाहो तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हो, लेकिन दुकान का टेक्सचर डालने के लिए आपको मैदा ही यूज करना पड़ेगा। उसके 1 टीस्पून मैंने तेल लिया है और 1/2 टीस्पून नमक लिया है। उसके बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ मैं पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मैं यहाँ मिक्स करूँगी, एक अच्छा सा डो बनाऊँगी। तो यहाँ पे पानी हम रूम टेम्परेचर का ही लेंगे, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा लेंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए एक स्टिप डो तैयार करेंगे। एक कड़ा सा आटा लगाएंगे, देखिए इस तरह की आटा लगाएंगे, बिल्कुल नरम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरह की डो तैयार कर ली है, इस तरह का आटा लगा लिया है। तो अब इसे ढक के हम 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब तक आटा रेस्ट ले रही है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इससे ज़्यादा हम तेल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसे फैला लिया है पैन में। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन लिया है, देखिए। और इसे थोड़ा सा हम चलाएँगे, कुछ ही सेकेंड थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चा स्मेल चली जाए। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसा कि 4 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कैरेट लिया है, 1/2 कप कैबेज लिया है, और यहाँ मैंने कैप्सिकम, ऑनियन और स्प्रिंग ऑनियन लिया है, वो भी 4 टेबलस्पून करके लिया है। अब मैं सारे सब्जियों को पैन में डाल दूंगी, देखिए यहाँ पे मैं सारे सब्जियों को पैन में डाल दे रही हूँ। अब सारे सब्जियों को पैन में डाल के इसे हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हम अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ हम नमक डालेंगे। तो यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक डालेंगे। उसके बाद मैं यहाँ काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, और सोया सॉस ले रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक है। तो उन सबको मैं मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक अच्छी से कुक कर लूँगी, ठीक है। जनरली मोमोज की स्टफिंग को कभी कुक नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कुक कर लोगे ना, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ जाता है। तो देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो अब देखिए यहाँ 15 मिनट हो भी गए हैं हमारे आटा को सेट होने में। तो हमारी आटा सेट हो चुकी है, इसे हम और एक बार अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। तो यहाँ हम और एक बार अच्छी तरह से गूँथ ले रहे हैं, देखिए। अब जब हमने आटा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे आटा को। देखिए यहाँ हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। आप चाहो तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के आप मोमोज बना सकते हो, या फिर जैसा मैं प्रोसेस बता रही हूँ इजी प्रोसेस, वैसा भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सूखा मैदा को डस्ट कर दिया है और 1 लोई को मैंने लिया है, और उससे हम एक बड़ी सी चपाती या पूड़ी बना के हम रेडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम अच्छी तरह इसे रोल कर ले रहे हैं। तो बहुत पूरी गोल हो ज़रूरी नहीं है, जैसा भी हम रोल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने रोल कर लिया है, देखिए। अब इसे रोल कर लेने के बाद एक मीडियम साइज़ की कटोरी लेंगे और इससे हम छोटी छोटी पूरियाँ टाइप की हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने कट कर लिया है 1 पूरी, और दूसरी पूरी हम कट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमारी 2 पूड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो गई है। तो साइड की जो है इसको निकाल लेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये देखिए 2 पूड़ियाँ हमारी रेडी है। तो इन पूड़ियों को और एक बार हम बेलेंगे, बेल के थोड़ा सा पतला कर लेंगे, ठीक है। तो मोमोज बनाने के लिए थोड़ी सी पतली शीट की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा मोमोज और अच्छा बनेगा। और देखिए हमारी स्टफिंग जो है वो ठंडी हो गई है। तो इसे मोमोज शीट के बीचों बीच हम 1 टीस्पून डालेंगे। उसके बाद हम पानी को मोमो सीट के किनारों में हम अप्लाई करेंगे, देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे पानी को, जिससे मोमोज जब हम बनाएंगे, जब उसका शेप देंगे तो अच्छी तरह से चिपक के रहे, वो निकले नहीं, ठीक है। तो अब हम मोमोज का शेप देंगे। मोमोज शेप आप कई तरह से दे सकते हैं, तो यहाँ मैं बहुत ही ईजी शेप देना सिखा रही हूँ। तो इसे हम पहले गुजिया जैसा हम शेप देंगे, देखिए दोनों किनारों को एक साथ हम मिला लिए हैं। इस तरह से हम पहले उसे दबा दबा के गुजिया का शेप दे देंगे।
उसके बाद जब ये गुजिया का सेप अच्छी तरह से बन जाए उसके बाद साइड के किनारों को एक साथ जोड़ के हम चिपका देंगे, देखिए इस तरह से। तो बस ये एक एक तरह की सेप बन गई है मोमोज की। तो इस तरह से आप सेप दे सकते हैं, ठीक है। तो लग रही है ना बहुत ही प्यारी ये सेप, ठीक है। अब नेक्स्ट सेप हम बनाने चलते हैं। तो यहाँ मैं फिर से एक सीट को ली हूँ और उसे थोड़ा सा बेल ले रही हूँ ताकि मोमोज का जो शीट है थोड़ा सा पतला रहे, ताकि मोमोज बहुत अच्छी तरह से बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो स्टफिंग है उसे 1 टेबल स्पून मैंने बीच में डाल दिया है। तो उसके बाद मैं पानी को साइड में अप्लाई करूँगी। तो देखिए यहाँ पानी मैं साइड्स के एजेस में अप्लाई कर रही हूँ। तो साइड के एजेस में पानी को अप्लाई करना मस्ट है, इसे आप स्किप ना करिएगा इस स्टेप को, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने जब पानी को अप्लाई कर लिया उसके बाद मैं दूसरा तरह का सेप दे रही हूँ। इसमें मैं क्या करूँगी, जैसा हम मोदक बनाते हैं ना वैसे ही सभी किनारों को एक साथ हम कर लेंगे। पहले हम पिंच करते हुए, हम देखिए इस तरह से हम कर लेंगे पिंच करते हुए थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद उन दोनों किनारों को हम जोड़ ले रहे हैं। उसके बाद हम साइड के किनारों को भी छोटा छोटा पिंचेस करके, छोटा छोटा प्लेट्स टाइप की करके सबको एक साथ हम चिपका देंगे, देखिए इस तरह से, जैसा कि हम मोदक बनाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही शेप देंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से हमने मोदक बना लिया और मोदक बनाने के बाद अब एंड्स को अच्छी तरह ट्विस्ट करके उसे हम सेंटर में प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप कर सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने सेंटर में प्रेस कर दिया है। तो हो गई ना मोदक से मोमोज की सेप। तो देखिए हमारी बन गई है और एक सेप है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ हमारी सारी मोमोज बिल्कुल रेडी है स्टीम के लिए। तो यहाँ हम स्टीम करने के लिए एक छेद वाली प्लेट लेंगे और उसमें हम पत्ता गोभी की जो पत्तियाँ हैं ना उसे हम अच्छी तरह से सजा देंगे और उस पर हम ऑयल ग्रीस करेंगे, ठीक है। तो पत्ता गोभी की पत्तियाँ हम डाल के ऑयल ग्रीस कर देंगे तो जो मोमोज इसमें रख के स्टीम करेंगे तो मोमोज नीचे की तरफ नहीं चिपकेगी और बहुत अच्छे से ये स्टीम होगी, ठीक है। तो देखिए हम सारे मोमोज को इसमें रख दे रहे हैं। तो हमारी मोमोज बिल्कुल तैयार है स्टीम देने के लिए। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप पानी डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम 1 कप पानी डाल दे रहे हैं, उसे हम अब गर्म करेंगे। देखिए हमारी पानी बिल्कुल रोलिंग बॉइलिंग हो रही है। तो जो हमने रेडी करके रखा था छलनी उसे हम इस कढ़ाई में उतार देंगे बहुत ही सावधानी से। उसके बाद उसके ऊपर हम ढक्कन लगा के 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे, ठीक है। तो देखिए 15 मिनट हो चुकी है, हमारी मोमोज बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम होके रेडी हो गई है। तो इसे बहुत ही सावधानी से हम इसे हम निकाल देंगे कढ़ाई से, ठीक है। तो देखिए हमने कढ़ाई से निकाल दिया है। तो अब हम नेक्स्ट मंचूरियन सॉस बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो मंचूरियन सॉस बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखा है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिया है 4 गार्लिक चॉप किए हुए, 1 इंच अदरक को चॉप किया हुआ, 1 ऑनियन को चॉप किया हुआ, ग्रीन रेड पेपर और 2 हरी मिर्च ली है, ठीक है, और स्प्रिंग ऑनियन लिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो गार्लिक और जिंजर चॉप किया हुआ लिया था उसे हम तेल में डालेंगे और 2 हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी उसे हम तेल में डालेंगे। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल जो कच्चापन है वो ना चले जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ ऑनियन डाल रहे हैं। ऑनियन डालने के बाद अब ये जो हमारे स्प्रिंग ऑनियन है उसे भी डाल देंगे। उसके बाद जो पेपर है रेड पेपर और ग्रीन पेपर उसे भी डाल देंगे, ठीक है, और सबको अच्छी तरह से हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ डाल रहे हैं नमक। तो नमक डालने के लिए हमें ध्यान में रखना होगा कि मोमोज स्टफिंग में भी हमने नमक डाला, इसीलिए यहाँ 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और यहाँ 2 टेबलस्पून हम यहाँ सोया सॉस ले रहे हैं, ठीक है, और वाइट विनेगर ले रहे हैं 1 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ रेड चिल्ली सॉस 1 टेबलस्पून और यहाँ टमाटो सॉस लिया है 2 टेबलस्पून, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ नेक्स्ट पिज्ज़ा सॉस ले रही हूँ 1 टेबलस्पून, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, इन्हेंस होगा, ठीक है। तो उसके बाद सब चीज़ें यहाँ डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट ले रही हूँ
1 टेबलस्पून अरारोट कॉर्नफ्लोर, ठीक है, तो जिससे मंचूरियन सॉस जो है उसमें थोड़ी थिकनेस आए, ठीक है। तो यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लेके उसमें मैंने 4 टेबलस्पून पानी डाला है, उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे जिससे इसमें थोड़ी सी भी लम्ब्स ना रहे और एक अच्छी सी कॉर्नफ्लोर मिक्सर रेडी हो जाए। उसके बाद इसे हम इसमें डाल देंगे और उस बाउल में जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर मिला था उसमें फिर से हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इस सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेने के बाद यहाँ मैं 1/2 कप पानी डालूँगी, ठीक है। तो मंचूरियन जो ग्रेवी है उस वो डिपेंड करती है हमारे ऊपर, अगर हमें पतला ग्रेवी पसंद है तो हम पानी की मात्रा ज़्यादा डालेंगे, और अगर हम को बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप की थोड़ी गाढ़ी सॉस गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो हम पानी की मात्रा थोड़ी कम लेंगे। तो यहाँ हमने पानी लिया है 1/2 कप। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ चीनी, 1/2 टीस्पून चीनी डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। उसके बाद यहाँ हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह पकने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ जो स्टीम करके हमने मोमोज रखी थी उसे हम इसी में डाल देंगे, जो मंचूरियन जो ग्रेवी बना के रखी है हमने उसमें डाल देंगे। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे हम अच्छी तरह टॉस कर लेंगे, जो मोमोज है उसके साथ जो मंचूरियन ग्रेवी है उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जेंटली हम इसे टॉस करेंगे, देखिए इस तरह से। तो आप इमेजिन करिए आप कितना टेस्टी लगेगा ये स्टीम्ड मोमोज के साथ ये मंचूरियन ग्रेवी। तो बिल्कुल इस रेसिपी को बनाइए। तो इसके बाद हम यहाँ अच्छी तरह से इसे टॉस कर ले रहे हैं, देखिए देखिए हमने अच्छी तरह से यहाँ टॉस कर लिया है, देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये इसके ऊपर हम स्प्रिंग ऑनियंस जो है ना चॉप्ड की हुई उससे हम गार्निश कर देंगे। तो बस हमारी बिल्कुल रेडी है मोमोज विथ मंचूरियन ग्रेवी, मतलब मोमोज मंचूरियन, ठीक है। तो बस हमारी बिल्कुल रेडी हो गई, अब हमने गैस बंद कर दिया है और बस हम सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ गरम गरम यहाँ सर्व कर रहे हैं, तो देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। तो सच में सीरियसली बहुत टेस्टी बनती है ये रेसिपी, तो बिल्कुल इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और रेसिपी ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो अपने कमेंट्स अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।